मातोश्री में आज शिवसेना विधायकों की बैठक हुई, जिसमें सभी विधायकों ने एक मत से कहा कि बीजेपी अपना दावा निभाए और बीजेपी ने जो वादा किया था यानी कि 50-50 के फॉर्मूले पर बात करे। वहीं पर उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों को बांद्रा के रंग शारदा होटल में रहने का आदेश जारी किया है। इसी को लेकर के हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट जो आपने देखी और उन्होंने अब्दुल सत्तार से शिवसेना के नेता से बात की। शिवसेना की बैठक खत्म हो चुकी है और उद्धव ठाकरे फैसला सुना सकते हैं। कब तक सुनाएंगे इसका हमें इंतज़ार करना होगा। बैठक में क्या हुआ, हमारे साथ शिवसेना के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, अब्दुल सत्तार साहब। सत्तार साहब, आप बड़े कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं वहाँ से मीटिंग के बाद, लेकिन वहाँ पर कॉन्फिडेंट तो भारतीय जनता पार्टी है। देखो, हमको जो लगता है हमारे नेता के पास जाने के बाद जो सच्चाई सामने मिलती है, उसके संगात हमारे सारे विधायकों ने एक लाइन का प्रस्ताव किया कि उद्धव जी जो फैसला लेंगे वो सबके लिए अंतिम फैसला होगा। लेकिन फैसला क्या, आप लोगों ने एक मत से विधायकों ने ये कहा कि मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा और 50-50 शेयरिंग होगा पावर का। सारे विधायकों ने एक लाइन का ठहराव लिख के सबने एक टाली के संगात आवाज दी और सबने ये बताया कि 2.5 साल मुख्यमंत्री शिवसेना का होना चाहिए और आधे आधे जो भी हमारे मिनिस्टर बनेंगे वो आधे आधे होना चाहिए। अच्छा, जो बात फैल रही है, हालांकि शिवसेना ने एक तरीके से साफ कर दिया है कि कोई भी विधायक टूटेगा नहीं, संजय राउत जी ने भी कह दिया है कि एक भी विधायक कहीं नहीं जाएगा, तो सभी को एक होटल में क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि हमारे चुनाव क्षेत्र 1000 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर के ऊपर है और कभी भी विधायकों की गरज पड़ सकती है। जो भी फैसला लिया जाएगा उस फैसले के लिए 1 घंटे के अंदर सारे विधायक तैयार रहेंगे। जैसा लड़ाई में जो योद्धा तैयार रहता है वैसे विधायक सब तैयार रहेंगे और उद्धव जी के आदेश का पालन करेंगे। अच्छा, सत्तार साहब, और सिर्फ दो सवाल है, वो ये कि विचारधारा को लेकर किसानों का मुद्दा हो, हिंदुत्व का मुद्दा हो और जो है यहाँ के भूमिपुत्रों का मुद्दा हो, इन सभी को लेकर बीजेपी के साथ आप लगातार 25 साल से ज़्यादा रहे हैं, तो ऐसे में आखिर क्या है, आप समझौता क्यों नहीं कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने 25 साल से छोटा भाई से बड़ा भाई बन गया और बड़ा बनने के बाद में भी बड़े की जो ईमानदारी और वफादारी है वो बताने के लिए 2.5 साल चीफ मिनिस्टर हमारा बनना चाहिए। तो अब आखिरी फैसला है ना, तो कोई आप समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं है, सारे समझौते खत्म हो चुके हैं, सारे समझौते खत्म हो चुके हैं। अब उद्धव ठाकरे आखिरी फैसला लेंगे, सभी विधायकों ने अपना मत रख दिया है और लिखित तौर पर सब ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा, तो ऐसे में यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प तस्वीर पेश हो रही है। लेकिन बीजेपी का कहना है लगातार कि महायुति यानी शिवसेना के साथ में ही मिलकर सरकार बनाएगी, लेकिन संकट बरकरार है। सरकार अगर बीजेपी जाती है बनाने और फ्लोर पे अगर वो पास नहीं होती है तो सरकार गिर सकती है, लेकिन कोशिशें जारी हैं, अलग अलग माध्यम से कोशिशें जारी हैं। तस्वीर हम आपको लगातार देते रहेंगे। मुंबई से कैमरा पर्सन अजीत शेट्टी के साथ संजय प्रभाकर, R9 TV के लिए।